खरगोन जिले के संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी महत्वपूर्ण मांग नियमितीकरण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी बीच आंदोलन के 10वें दिन अपनी मांग को पूरा कराने के लिए इन कर्मियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखे और मांग पूरी कराने का अनूठा प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जिले के तकरीबन 500 से अधिक कर्मी हड़ताल पर उतरे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई है। अब देखने वाली बात होगी कि इन संविदा कर्मियों की मांग को पूरा करने में सरकार क्या फैसला लेगी। बहरहाल स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आदेश का यह कतरा नहीं, खून के लिए बात है। मामा हमारी बात मान लो, यही हमारी फरियाद है। आदेश का यह कतरा नहीं, खून से लिखे जज्बात है। मामा हमारी बात मान लो, यही हमारी फरियाद है। आदेश का यह कतरा नहीं, खून से लिखे जज्बात है। मामा हमारी बात मान लो, यही हमारी फरियाद है। आदेश का यह कतरा नहीं, खून से लिखे जज्बात है। मामा हमारी बात मान लो, यही हमारी फरियाद है। हम मध्य प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी तथा मेरे जिले खरगोन जिले के 9 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज ये शासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि विगत हम 5 सालों से हड़तालों पर हड़तालें किए जा रहे हैं, धरने पर बैठे जा रहे हैं, लेकिन शासन हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की जो 5 जून 2018 की नीति बनाई है, वही नीति हम पर भी लागू की जाए। इस एक मांग को हम पर लागू नहीं किया जा रहा है। आज हमने हमारे खून से माननीय मामा जी को पत्र लिखा है कि हमको नियमित किया जाए। यदि नियमित नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, साथ ही चक्का जाम करेंगे और भोपाल भरो आंदोलन करेंगे। जी निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर पर कल 26 अप्रैल को भोपाल में के 52 जिलों के 52 जिलाध्यक्ष, सक्रिय सदस्य तथा माननीय DPM महोदय भी उपलब्ध थे उस मीटिंग में। और कल यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले सप्ताह में सुना है कि महापंचायत होने वाली है, यदि उस महापंचायत में हमको कोई सौगात नहीं दी जाती है तो आने वाले समय में हम आमरण अनशन करेंगे और आंदोलन करेंगे। श्रीमती ममता हिरवे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।